गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह फिर से आपके बीच आ गया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट के क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है, ए वेंडर बाउट ऑरेंजेज एट 5 in a rupee, हाउ मेनी इन अ रुपी मस्ट ही सेल्स टू गेन 25%। कहता है कि एक वेंडर जो होता है 1 रुपया में 5 ऑरेंजेज के हिसाब से परचेज करता है, और उसके बाद कहता है कि 1 रुपया में कितना ऑरेंजेज को बेचे ताकि जो है 25% का प्रॉफिट हो जाए। 1 रुपया में 5 ऑरेंज के हिसाब से वो परचेज किया, खरीदा, अब 1 रुपया में कितना ऑरेंज के हिसाब से उसको बेचे, सोल्ड करे, ताकि जो है टोटल में 25% का प्रॉफिट हो जाए। यानी 1 रुपया में 5, कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 5 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपीज है। कितना रुपीज है? 1 रुपीज है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेज, तो 5 ऑरेंजेज का कॉस्ट प्राइस हम कितना बोल सकते हैं? ₹1। तो 1 रुपी को हम क्या लिख सकते हैं? 100 पैसे भी लिख सकते हैं। तो 100 पैसे हो गए कितना? 5 ऑरेंजेज का CP। अब उससे हम क्या करेंगे? 1 ऑरेंज का CP निकालेंगे, फिर 1 ऑरेंज का क्या निकालेंगे? SP, फिर जो भी स्यापा है सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे द CP ऑफ 1 ऑरेंज। तो 1 ऑरेंज का CP कितना आ जाएगा? तो 100/5 ऑरेंज का है ना, तो 5 से डिवाइड कर दिए, इतना पैसे आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया जी? 20 पैसे। तो 20 पैसे 1 ऑरेंज का क्या निकल गया? CP। अब कहता है कि 1 रुपया में कितना ऑरेंज को हम बेचें ताकि 25% का प्रॉफिट हो। तो भाई 25% का प्रॉफिट हो उसके लिए, तो हम क्या करते हैं? 1 ऑरेंज का CP निकल गया, तो 1 ऑरेंज का क्या निकाल देते? SP। तो 1 ऑरेंज का SP निकल जाएगा, तो 1 रुपया में कितना ऑरेंज बेचना चाहिए ये पता कर लेंगे। तो SP of 1 ऑरेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? द SP of 1 ऑरेंज। तो 1 ऑरेंज का SP कितना हो जाएगा? तो SP का फॉर्मूला क्या होता है? CP into 100 plus gain% upon क्या होता है जी? 100 होता है। तो CP कितना है? तो CP यहाँ पर 20 पैसा है, इंटू 100 प्लस कितने परसेंट का गेन कर रहा है जी? 25% का। तो 25/100 इतना क्या आएंगे? पैसे आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना आ गया जी? तो 20 into 100 plus 25 125/100 इतना पैसे आ गए। अब उसके बाद 25 के टेबल से जब डिवाइड करेंगे, या चलिए 20 के टेबल से डिवाइड किए, ये 5 आ गया, 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। यानी कितना आ गया? 25 पैसे आ गया। तो 25 पैसे क्या है? 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है। तो 1 रुपया में कितना बिकेगा भाई? तो 1 रुपया के कॉस्ट में 1 ऑरेंज के SP को से डिवाइड कर देंगे तो कितना ऑरेंजेज 1 रुपया में बेचा जाएगा ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑरेंजेज sold in rupee 1, 1 रुपया में कितना बेचा जाएगा? तो 1 रुपया का वैल्यू कितना होता है? 100 पैसा। अब 100 पैसा में 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस, बेचने वाला बोल रहा है ना, तो हम 1 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑरेंजेज निकल जाएगा। तो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना आया जी? 25 पैसे। तो 25 पैसे से हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 25 पैसे से डिवाइड कर गए तो आ गया 4। यानी कहने का मतलब 1 रुपया में 4 ऑरेंजेज के हिसाब से अगर हम बेचते हैं तो टोटल में 25% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंदा बाउट 2 क्रिकेट बैट्स फॉर ₹560 and ₹240 रेस्पेक्टिवली। ही सेल्स द फर्स्ट बैट एट ए गेन ऑफ 15% एंड सेकेंड बैट एट ए लॉस ऑफ 5%, फाइंड गेन और लॉस इन होल। यहाँ पर कहता है गोविंदा जो होता है दो बैट खरीदते हैं, पहला बैट 560 रुपीज में परचेज करते हैं, दूसरा बैट को 240 रुपीज में परचेज करते हैं, और पहला बैट को 15% के गेन पे बेच दिया। देखिए यहाँ पर 2 बैट परचेज करते हैं जिसमें पहला का CP दिया हुआ है 560 रुपीज और दूसरा का जो है CP दिया हुआ है 240 रुपीज है। 240 रुपीज है
और पहला बैट को भी बेच देते हैं, लेकिन बेचते हैं ये गेन पर। कितने के गेन पे जी? तो 15% के गेन पे बेचते हैं। और दूसरा बैट को जो बेचते हैं वो है लॉस पे, और वो भी कितने परसेंट के लॉस पे? 5% के लॉस पे। तो बताइए टोटल में कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये बताइए। तो ऐसे सिचुएशन में हमको टोटल कितना कॉस्ट प्राइस, कितना खर्च हुआ वो टोटल कॉस्ट प्राइस, फिर टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तब हमें आइडिया लग पाएगा कि कितना का गेन हो रहा है। फिर जब गेन निकल जाएगा तो उसका हम गेन परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो सी पी ऑफ फर्स्ट बैट, सी पी बोले तो खरीदने वाला कॉस्ट, तो CP ऑफ द फर्स्ट बैट, तो फर्स्ट बैट का CP कितना आ जाएगा? तो फर्स्ट बैट का CP दिया हुआ है 560 रुपीज़। उसके बाद CP ऑफ द सेकेंड बैट का CP कितना दिया हुआ है? तो सेकेंड बैट का CP कितना दिया हुआ है जी? तो ₹240 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों के CP को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। पहला का कॉस्ट प्राइस, दूसरा का कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बैट्स, तो दोनों बैट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा जी? तो पहला का 560 रुपीज़ और दूसरा का 240 रुपीज़, ये दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 800 रुपीज़ टोटल CP आ गया। अब पहला का SP निकालेंगे, फिर दूसरा का SP निकालेंगे और दोनों के SP को जोड़ देंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं बारी बारी से। तो SP ऑफ द फर्स्ट बैट, तो फर्स्ट बैट का SP कितना आ जाएगा? तो SP ऑफ द फर्स्ट बैट बराबर क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। तो CP कितने रुपीज़ का है जी? तो CP जो है, पहला बैट का CP 560 रुपीज़ है, तो यहाँ पर पहला बैट का CP पुट करेंगे 560 इंटू 100 प्लस, और पहले बैट पे गेन कितने का हो रहा है जी, 15% का, तो यहाँ पर 15 और इंटू कितना हो गया, 100 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए CP कितना निकल के आता है, सॉरी SP, तो यहाँ पर इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, तो इक्वल टू यहाँ पर 500, ये 115 वाई कितना आ जाएगा, तो 1010 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 56 इंटू 115 बाई 10 बचेगा, 2 के टेबल से ये आ जाएगा 28, कितना जाएगा, 28 आ जाएगा, और इसको 2 के टेबल बचेगा 5, और उसके बाद इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो 23 आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो आप कैलकुलेट करिए भाई, तो ₹28 और इंटू 23, तो 28 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 84 आ गया। तो 560 और प्लस 84 इक्वल टू 4, ये हो गया 4 और ये 6, तो आ गया आपको 644 रुपीज़ आ गया, 644 रुपीज़ पहला का सेलिंग प्राइस आ गया। अब फिर दूसरे का सेलिंग प्राइस निकालते हैं, SP ऑफ द सेकेंड बैट, तो सेकेंड बैट का SP कितना आ जाएगा? तो सेकेंड बैट में हो क्या रहा है जी, लॉस। तो फॉर्मूला क्या होगा, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू अपॉन 100 हो गया। तो CP कितना है भाई, तो CP दूसरा बैट का कितना है, 240 इंटू 100, और कितने परसेंट का लॉस, 5% का लॉस हो रहा है, अपॉन 100 आ गया, तो ₹240 इंटू 95 अपॉन 100 आ गया। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा जी, तो यहाँ पर कितना आता है, ₹228 आ गया। तो दूसरा बैट का सेलिंग प्राइस आ गया, अब पहला बैट का सेलिंग प्राइस आ गया 644 रुपीज़, दूसरा बैट का सेलिंग प्राइस आ गया 228 रुपीज़। अब दोनों के सेलिंग प्राइस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो टोटल SP क्या निकालेंगे, टोटल SP ऑफ टू बैट्स,
तो टू बैट्स, तो दोनों बैट्स का जो है टोटल एसपी कितना होगा? तो पहला का एसपी कितना आया? 644 रुपीज़। और दूसरा का एसपी कितना आया? 228 रुपीज़ आया, 228। अब ये दोनों का जोड़ देंगे टोटल आ जाएगा, तो टोटल कितना आएगा? तो ये आ गया 2, और इसके बाद ये हो गया 7, और उसके बाद कितना आ गया? 8। तो 872 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया? 872। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? 800 था। टोटल सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना था जी? 872 रुपीज़। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि बताइए टोटल में कितने का गेन या लॉस हो रहा है, गेन परसेंट या क्या चीज़, लॉस परसेंट आप बताना है टोटल में। तो यानी टोटल सीपी 800 है, टोटल एसपी 872 है, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, क्या होने वाला है? गेन होने वाला है। तो चलिए इधर हम गेन निकालते हैं कि गेन कितने का हो रहा है। तो टोटल में गेन कैसे निकलेगा? तो टोटल एसपी में टोटल सीपी को घटाएंगे तो टोटल में कितने का गेन हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेन इन होल, तो गेन इन होल बराबर कितना हो जाएगा? टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। तो टोटल एसपी कितना है? 872, और टोटल सीपी कितना आया था? 800। तो घटाने के बाद 72 रुपीज का गेन हो रहा है, लेकिन गेन नहीं हमको चाहिए, क्या चाहिए? गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होगा? तो गेन परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हैं, गेन अपॉन सीपी इनटू 100% होता है। तो गेन यहाँ पर कितना हो रहा है? रुपीज़ 72 का। तो सीपी कौन सा पुट करेंगे? तो टोटल्स पे गेन हो रहा है ना, तो सीपी क्या पुट करेंगे? टोटल। तो टोटल सीपी कितना है? 800 इंटू, जैसे ही 100 किए तो परसेंट में आ गया, 2020 कट गया, और रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 9, यानी टोटल में 9% का क्या हो रहा है? गेन। तो इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग सीपी हो तो आप टोटल सीपी निकालिए, टोटल एसपी निकालिए, तब आपको आइडिया निकल के आएगा कि कितने का गेन हो रहा है, कितने का लॉस। गेन हो रहा है तो फिर गेन परसेंट भी निकाल सकते हैं, लॉस अगर हो रहा है तो उसमें चाहे तो आप लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मनोहर परचेज 2 हैंडबैग्स फॉर रुपीज 750 ईच, ही सोल्ड दीज गेंस 6% ऑन वन एंड लॉसिंग 4% ऑन अदर, तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। मनोहर 2 हैंडबैग्स खरीदता है 750 ईच, तो 750 रुपीज़ ईच कहने का मतलब क्या है? पहला का भी सीपी उतना ही है और दूसरा का भी सीपी कितना है? 750 रुपीज़ है। पहला को बेच दिया, पहला को बेचा, लेकिन पहला को क्या चीज़ पे? 6% के गेन पे बेचा। पहला को बेचा लेकिन क्या चीज़ पे? 6% के गेन पे। और दूसरा को भी बेचा लेकिन 4% के क्या चीज़ पे बेच दिया? लॉस पे बेच दिया। तो बताइए कि टोटल में कितने परसेंट का गेन या लॉस हो रहा है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर दोनों का सीपी सेम था, पिछला क्वेश्चन में दोनों का सीपी क्या था? अलग था। यहाँ पर पहला का भी टोटल सीपी निकालेंगे, फिर पहला का एसपी निकालेंगे, फिर दूसरा का एसपी निकालेंगे, फिर टोटल एसपी निकालेंगे, और टोटल सीपी और टोटल एसपी को देखते हुए हमको आइडिया लग जाएगा कि गेन हो रहा है या लॉस। फिर गेन होगा तो गेन परसेंट, फिर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीपी ऑफ ईच बोले तो प्रत्येक, यानी पहला को भी 750 रुपये में परचेज किया तो दूसरा को भी 750 रुपये में परचेज किया। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सीपी ऑफ द फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग पहला बैग का सीपी क्या लिख सकते हैं? तो रुपीज़ 750। तो आप सीपी ऑफ द सेकेंड बैग भी, सीपी ऑफ द सेकेंड बैग भी यही लिख सकते हैं, सीपी ऑफ द सेकेंड बैग बराबर भी रुपीज़ 750। अब दोनों के सीपी को जोड़ देंगे तो टोटल सीपी ऑफ टू बैग्स आ जाएगा, टोटल सीपी ऑफ टू बैग्स, यानी दोनों का खरीदने वाला कॉस्ट आ गया। तो टोटल सीपी ऑफ टू बैग्स बराबर कितना आएगा? तो रुपीज़ 750 प्लस 750। अब उसके बाद जोड़ दिए तो रुपीज़ कितना आ गया? 1500 आ गया। अब उसके बाद पहला का सीपी निकालेंगे, फिर दूसरा का सीपी निकालेंगे, एसपी निकालेंगे सॉरी, और उसके बाद दोनों एसपी को जोड़ेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो एसपी ऑफ द फर्स्ट बैग्स, एसपी ऑफ द फर्स्ट बैग, तो एसपी ऑफ द फर्स्ट बैग बराबर कितना आ जाएगा? तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी इनटू 100, और पहला पे गेन हो रहा है 6% का, तो फॉर्मूला क्या होगा? प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो सीपी कितना रुपीज़ है पहला का? तो पहला का सीपी 750 रुपीज़ है, और इनटू
100 प्लस कितने परसेंट का गेन, 6% का गेन अपॉन 100 आएगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज कितना आ जाएगा, तो 795 आ जाएगा। 700 कितना आ जाएगा, 95। ये पहला का निकल गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब निकालेंगे एसपी ऑफ द सेकेंड बैग। तो सेकेंड बैग का एसपी कितना आ जाएगा, तो एसपी ऑफ द सेकेंड बैग बराबर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो सीपी रुपीज 750, दूसरा का भी सीपी कितना है, 750 रुपीज है। तो ये मैंने पुट किया इंटू 100 और कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो 4% का लॉस हो रहा है अपॉन कितना हो गया, 100। अब कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज 750 और इंटू 96 अपॉन कितना आ गया, 100 आ गया। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज 720 आएगा, 720 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा जी, तो ये आपका आ गया क्या चीज़, तो ये निकल के आ गया आपको सेलिंग प्राइस दूसरा का। अब टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं, टोटल एसपी ऑफ टू दोनों का निकालते हैं। तो टोटल एसपी ऑफ टू बैग्स, तो दोनों बैग्स का एसपी या हैंड बैग्स जो भी है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो पहला का एसपी 795 और दूसरा का एसपी कितना आया है, 720। तो ये दोनों को ही मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो रुपीज ये कितना आ जाएगा, 592.11 का 1, बाकी हाथ में 1, और ये 14.1 कितना हो गया, 15। यानी 1515 रुपीज हो गया टोटल सेलिंग प्राइस। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया था, 1500 आया था। टोटल सेलिंग प्राइस 1515 आया है, यानी गेन हो रहा है या लॉस, क्या हो रहा है, गेन या लॉस। तो भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ रहा है, डेट मीन्स गेन हो रहा है। तो गेन इन होल, तो गेन इन होल ट्रांजेक्शन या होल बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। लेकिन ध्यान रहे एसपी टोटल पुट करना है और सीपी भी टोटल वाला पुट करना है। तो टोटल एसपी कितना आ गया, रुपीज 1515 माइनस टोटल सीपी। तो टोटल सीपी कितना, टोटल सीपी आ गया 1500। तो 1500 आप घटाएंगे तो कितने का गेन होगा, तो गेन हो गया 15 रुपीज का। अब गेन नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, गेन परसेंट चाहिए। क्या चाहिए, गेन परसेंट। तो आप जानते हैं फॉर्मूला गेन परसेंट का, तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100% होता है। तो गेन कितने का हो रहा है, 15 रुपीज का। सीपी टोटल कितना है, 1500 है, यानी आप लिख सकते हो 15 रुपीज अपॉन टोटल सीपी 1500 इंटू 100%। इतना परसेंट आएगा, तो 2020 कट गया, 15 से 15 कट के 1% का गेन होगा। इस ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का गेन होगा, 1% का गेन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अलग अलग एसपी अलग अलग सीपी ये सब रहे, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा प्रयास ये करें कि टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दें, ताकि उससे आइडिया न लग जाए कि आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर गेन परसेंट या लॉस परसेंट आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा सारा अपडेट्स आपको मिलते रहे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय।